प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने के असल कारण की सीगे, अंदरलियां गल्लां की सीगियां, अज दे प्राइम टाइम दे विच तुहानू सारियां दसांगे जो असी खोज पड़ताल कीती है उस दे आधार ते। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी दा प्राइम टाइम देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शुक्र है मैं बठिंडे तक ज्यौंदा आ गया। केजरीवाल कुछ दिन पहला शांति मार्च कढ़ रहे सी पटियाले विच, पर सवाल यही है कि की पंजाब दी शांति इन्नी खराब है कि इत्थे शांति मार्च कढ़न दी लोड़ पै रही है, जां फिर लोग राह जांदे प्रधानमंत्री दी जान वास्ते ही खतरा बन गए ने। पर फैक्ट है, इतिहास बोलता है कि पंजाब दे विच उदों भी शांति रही है जदों 1984 दे विच दिल्ली दे विच हजारां सिखां दा कतलेआम कर दिता गया सी। दुनिया भर दे विच वसदा सिख भाईचारा शांत रहा सी। सबर दे नाल, सिदक दे नाल उन्होंने इस अत्याचार नू, इस कतलेआम नू अपनी हिक दे उत्ते जरिया सी। ते हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जिहड़ा भड़काऊ बयान दे के की कहण दी कोशिश कर रहे ने, क्यों कर रहे ने, इस बारे शायद हकूमत ही जानदी है। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शांति मार्च कढ़न दे लई पंजाब क्यों आ रहे ने, दिल्ली दे विच उन्हां नूं क्यों नहीं कुछ दिखाई दिंदा, ये भी एक वड्डा सवाल है। जिहड़ा कल दा घटनाक्रम वापरिया उस दे विच बहुत सारे सवाल ने जिहड़े उह उठदे ने। सब तो पहला ये कि की किसानां ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे राह रोके सी, की प्रधानमंत्री मोदी दी फेरी रद्द होण दे नाल किसानां दा बहुत वड्डा नुकसान हो गया, की प्रधानमंत्री दी रैली रद्द होण दी संभावना हुंदी है, हुंदी है तां किन्नी क हुंदी है, रैली रद्द होण दे पिछे की कोई वड्डी सियासत है। प्रधानमंत्री मोदी की वापसी तो बाद सोशल मीडिया से 1984 मुड़ दोहराने दी धमकियां ने जिहड़ियां उह खास करके सिख भाईचारे नूं दित्तियां जा रही ने। सियासी तौर पर बीजेपी नूं की फायदा की नुकसान है, पंजाब का किहड़ा फायदा ते किहड़ा नुकसान होया है, ये भी वड्डे सवाल ने। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी या फिर सारी कांग्रेस जिहड़ी लीडरशिप है उसने यही बयान मूहरे रख्या होया कि रैली दे विच लोग नहीं सी पहुंचे, इस करके बहाना बना के प्रधानमंत्री इत्थों चले गए। तो सवाल यह भी उठता है कि इंज कदे हुंदा है कि प्रधानमंत्री दे दौरे तो पहला मौसम दे बारे कोई चर्चा ना हुई होवे। जे एकदम हैलीकॉप्टर तो सड़की रूट लैना सी तां पहलां प्रशासन दे नाल सिक्योरिटी बारे की अमले फैले ने तसल्ली नहीं कीती होगी। पंजाब दा प्रशासन जां केंद्री एजेंसियां दा आपस दे विच कोई तालमेल नहीं होगा, क्योंकि रूट क्लीयर बिना जिहड़ा हैगा उह तुरन दा मतलब ही नहीं बनदा। राह दीआं रुकावटां पता कीते बिना तां आम बंदा भी अज कल अपना रूट फाइनल नहीं करदा, पहले ही गूगल मैप ते देख लैंदे ने कि कित्थे कित्थे लाइन है जिहड़ी उह लाल हो रही है, कित्थे पीली हो रही है, यानी कि कित्थे ट्रैफिक है जिहड़ा उह ज़्यादा ने, तो दूसरा राह लै लैंदे ने। सो ये सारे सवाल ने जिहड़े उठ रहे ने। खैर, मुल्क दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी पंजाब फेरी नूं लै के बहुत ही वड्डा सियासी तूफान खड़ा हो गया। सिर्फ सियासी गलियारां दे विच ही नहीं, आम लोकां दे विच वी बयानबाजियां ने जिहड़े कि पार्टियां दा पक्ख पूरदे ने, ते इस मसले नूं चारे पासे तो चंगी तरां दे नाल चिथिया जाण लग्गिया, जां कह सकदे आ बुरी तरां दे नाल चिथिया जाण लग्गिया। प्रधानमंत्री दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बारे जान बचण लई दित्ते धन्नवादी बयान तो बाद मुल्क भर दे विच जहरीली हवा वगण लगी है। पर असीं इस सब कासे तो कुछ हटवीं गल करन दी कोशिश करांगे कि की किते प्रधानमंत्री दा पंजाब दौरा ही तां नैतिक पक्खों गलत नहीं सी। इसका जवाब यही है कि वह भारतीय जनता पार्टी दे पंजाब दे विच्चों उखड़े पैर लाने दे लई फिरोजपुर दे विच रैली करन आए सी, पर उन्होंने सरकारी टूर हुसैनीवाला विखे शहीदां नूं अकीदत भेंट करन दा बनाया सी, यानी कि बहाना बिल्कुल उवें दा सी कि जिवें कोई सरकारी अफसर अपने निजी काम जाण लई सरकार दे खाते विच्चों ऑफिशियली टूर बना लवे। नैतिक पक्षों यह टूर है जिहड़ा इस तरीके दे नाल गलत जापदा है। दूसरे पासे प्रधानमंत्री दा दौरा रद्द करन नूं इह कह के प्रचारिया जा रहा है कि सुरक्षा दे विच कुताही हुई है, पर असल गल तां इह है कि पल पल दी खबर सारे सुरक्षा अमले नूं मिलदी रही, ये भी खबर मिलती रही कि पंडाल अद्धे तो बहुत तां खाली पिया है। चाहिदा तां इह सी कि इकट्ठ ना होण दी खबर मिलदिआं मौसम खराब होण दा बहाना ला के प्रधानमंत्री जी मुड़ जांदे, पर भांडा पंजाब दी सुरक्षा दे सिर ते भन्न दित्ता गया। ते ये भी एक फैक्ट है कि जदों प्रधानमंत्री ने किसी भी थां ते दौरा करना हुंदा है तां उस सूबे दे विच पुलिस है जिहड़ी जां फिर सारा सुरक्षा प्रशासन है उह केंद्री एजेंसियां दे अंडर आ जांदा है 48 घंटे पहलां ही,
केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां तालमेल दे विच आ जांदियां ने, पंजाब पुलिस भी उन्हां दे तालमेल दे विच ही उन्हां दे दिशा निर्देशां दे विच ही चल रही सी। पर असल गल है जिहड़ी इह किते ना किते सियासी पंडतां नूं लग रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपने अंदर दा पाला खा रहा है। दूसरे शब्दों में कह दईए कि किसान अंदोलन दे विच कीतियां वधीकियां दा पछतावा प्रधानमंत्री जी दा खहिड़ा नहीं छड़ रहा। मेघालिया दे राजपाल सत्यपाल मलिक दी सिखां नाल पंगा ना लैण दी चेतावनी अते बीजेपी दे बुद्धिजीवी विंग दे चंगी मत दिंदे पत्तर ने जिहड़े शायद प्रधानमंत्री नूं डराउण लगे ने। सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करके मूँह ते ही कह दिता सी कि उह दिल्ली बैठे सिखां नूं खाली हथ ना मोड़न, उहनां ते वधीकी ना करन, बल दा प्रयोग ना करन, नहीं ता सिख ओ कौम है जिहड़ी 300 साल तक भुलदी नहीं है अपने नाल कीतियां वधीकियां नूं। प्रधानमंत्री दी रैली दे लई 25 एकड़ दा विशाल टेंट लाया गया सी, 80,000 दे करीब कुर्सियां लाईयां सी लाल रंग दियां। सच यह है कि मौसम की वजह से किसानों दियां रोकां करके भाजपा के वर्कर वड्डी गिणती विच रैली वाली थां ते पहुँच नहीं सके, जिस करके प्रधानमंत्री ने वापस मुड़न का मन बना लिया सी। ते वर्करां नूं रोकण दा जिहड़ा काम है वह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच किसानां ने किया। इस गल तो भी मुनकर नहीं होया जा सकता कि उन्हां नूं रैली वाली थां तो उरे ही एक पुल ते रुकना पिया, यानी कि प्रधानमंत्री नूं रैली वाली थां तो उरे ही जिहड़े पुल ते रुकना पिया ये वह थां सी जिथे किसान रोस लई इकट्ठे हो गए सी। रिपोर्टां दसदियां ने कि जदों प्रधानमंत्री ने उस पुल ते रुकावटां देख के वापस मुड़न दा मन बनाया तां प्रदर्शनकारी किसान उन्हां तो काफ़ी दूरी ते सन। ये फैक्ट है कि किसान रोस मुजहरे कर रहे सी, शांतमई रोस प्रदर्शन करना उन्होंने कहा कि साडा हक है, पर प्रधानमंत्री उस थान ते नहीं पहुँचे सी जिथे किसान प्रदर्शन कर रहे सी, जां ये कह सकते हैं कि जिहड़े प्रदर्शनकारी ने उस थान तक नहीं पहुँचे सी जिथे प्रधानमंत्री दा काफिला पहुँच गया सी। सो मुड़ एक गल तुहानूं दोहरा दिंदे आ कि किसानां दे दिल्ली प्रदर्शन तो हिले प्रधानमंत्री नूं किसानां दा इकट्ठ डराउण लग्या ते उह इक तरां नाल जान बचा के दिल्ली नूं वापस मुड़ गए। ते प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट ते पहुंचदिआं जिहड़ा पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाम सुनेहा भेजिआ उह इन्ने वड्डे अहुदे ते विराजमान हस्ती नूं ना तां जचदा है ते ना ही इस नूं सलाया जाना बनता है। उन्हां दे बयान नूं गंभीरता नाल देखिए तां इह है कि उह पंजाब खास करके सिखां नूं बदनाम करके यूपी अते उत्तराखंड दे विच वोटां वटोरनियां चाहुंदे होणगे, पर जो जहरीली हवा वगण लगी है उह मुल्क दे लई खतरनाक तां है ही, पर हो सकदा है कि बीजेपी दी इह नीति भी होवे इस तरह का माहौल पैदा करन दी। इस तो अगे जाके बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा के वलों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते फोन ना चुकन के लाए इल्जाम ने बलदी ते तेल पाउण दा काम कीता। इत्थे चरणजीत सिंह चन्नी दे उस बयान दा जिक्र करना भी जरूरी बनता है जिस विच CM साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वापसी की वजह उन्होंने दस्ते वालों सुरक्षा दस्ते वालों तुरंत रूट बदलना रहा है, तो इसकी जानकारी सानू नहीं दी गई, पंजाब सरकार नू नहीं दी गई। ये खबर भी सामने आने लगी है कि प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब पुलिस दे मुखी दे वल्लों हरी झंडी देण तो बाद ही रवाना होया सी। पुलिस नाल जुड़े हलकियां दा दसना है कि प्रधानमंत्री दी फेरी वेले सुरक्षा दी जिम्मेवारी सूबा अते केंद्र सरकार दी सांझे तौर ते हुंदी है। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा दे लई 16,000 मुलाजम तैनात कीते जांदे ने जिन्हां दा खर्चा 1 साल दे विच 776 करोड़ आउंदा है। सुरक्षा दे विच स्पैशल प्रोटैक्शन ग्रुप इंटैलीजेंस यानी कि भारत दीआं सारीआं वड्डीआं सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुंदीआं ने, केंद्रीय एजेंसियां शामिल हुंदीआं ने, IB दी टीम भी नाल हुंदी है। ते फिर पंजाब दे विच प्रधानमंत्री दी फेरी वेले तां 11,000 होर मुलाजम ने जिहड़े उह खड़े कर दित्ते गए सी। सो हुण तुसीं सोच सकदे हो कि 26,000 दे करीब मुलाजम तां उहनां दी सुरक्षा दे विच तैनात सन, अजिहे दे विच किस तरीके दे नाल इह जिहड़ा कहा जा सकदा है, इह तर्कसंगत हो सकदा है कि उहनां दा जिहड़ा उहनां दी फेरी है उह सुरक्षा दे विच सन लाउण करके रद्द करनी पई। पुलिस दा रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिता गया सी, उत्थे हर चीज SPG IB केंद्री एजेंसियां डिसाइड कर रही सी उत्थे, ते नाल नाल इत्थे तक के सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास चिट्ठियां मैं तुहानूं जारी करांगा दे दिंदा हुणे, सीटिंग अरेंजमेंट भी CM कित्थे बैठेगा कौन कित्थे बैठेगा उन्होंने डिसाइड किया है, रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है।
हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा यह भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाने का यह भी उन्होंने ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है इहदे विच। एक मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजिटेटर आके 5 मिनट लई सड़क दे विच इकदम आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? थानू यही कहना पएगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे, फिरोजपुर जिले के पिंड प्यारियाणा जिथों प्रधानमंत्री नूं वापस मुड़ना पिया, उत्थे मौजूद किसानां दा दावा है कि रोस विखावा करके प्रधानमंत्री तक अपनियां भावनावां पहुंचाउणियां चाहुंदे सी। उन्हां दा कहना है कि प्रधानमंत्री दे वल्लों 3 काले खेती कानून वापस लए जाण तों बाद जिहड़ियां 5 होर मंगां मन्नण दा भरोसा दित्ता गया सी उन्हां नूं भुला दित्ता गया। इना किसाना दा कहना है कि मंगा मन्ने जान तक संघर्ष अपना जारी रखणगे। इत्थे इह दसना भी जरूरी बनता है कि पंजाब ते केंद्र दीआं सुइआ एजेंसियां ने प्रधानमंत्री दफ्तर नूं पंजाब च चल रहे किसानी अंदोलन बारे सूचना भी जरूर दित्ती सी। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब पहुंचे हुए सी पिछले कई दिनों तो, थां थां ते चल रहे धरनियां तो भली भांत तो जाणू सन ते उन्होंने एक रात पहला ही किसानां दे नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2-3 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਤਿਲਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ।